हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम रोज़ रोज़ तो हिंदी पढ़ ही रहे हैं। अब मैं ये नहीं बता सकती आपको कि हम आज हिंदी पढ़ेंगे, लेकिन हम रोज़ हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में आपकी जो तीन बुकें हैं उसमें से सबसे पहली है मेरा पहला अक्षर, फिर लिखे और सीखे। तो मेरे पहले अक्षर में हम सब मतलब एक पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, और फिर उसी को समझकर हम दूसरी बुक जो आपकी है लिखे और सीखे उसमें हम लिखते हैं। ओके, तीसरी बुक है आपकी बाल गीत, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर कविताएं हैं जो मैं आपको याद भी करवाती हूँ और सिखा भी रही हूँ। तो वो कविता आपको याद करना है, याद करके रखना है, कभी भी ओरल में भी पूछा जा सकता है उसको। ओके स्टूडेंट, तो आज जो हिंदी की बात हो रही है तो हिंदी में मैंने आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं क्लास LKG सब्जेक्ट हिंदी। ओके, तो LKG में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, स्वर व्यंजन, उसके बाद स्वर पढ़े, स्वर व्यंजन में स्वर में भी आ ई ए ऐ ओ री जो भी है पूरा वो पढ़े। उसके बाद हमने व्यंजन पढ़े थे क ख ग घ ङ। ओके, फिर उसके बाद मैंने आपको दूसरा बताई थी कि च छ झ झ ञ, कि च से तीन अक्षर कौन से बनेंगे ये बताई थी आपको मैंने, कि च से चम्मच, च से चरखा, च से चमगादड़, छ से छतरी, छ से छड़ी और छ से छत। ये तीन तीन अक्षर एक एक शब्द यानी व्यंजन के शब्दों से बन रहे हैं। अब जैसे ज से जहाज, ज से जग, ज से जल, तो ये सब एक शब्द से तीन तीन शब्द बनते हैं। ओके, उसके बाद झ से झंडा, फिर झ से झरना, झ से झबला, फिर इ, है ना। तो चित्रों के नाम के पहले अक्षर पर गोला लगाना है। तो हमने जो तीन शब्द पढ़े, मतलब कौन कौन से तीन शब्द, मतलब तीन व्यंजन कौन कौन से हमने पढ़े थे, क ख ग घ ङ, फिर उसके बाद च छ झ झ ञ, ये हमने पढ़े और हमने उसकी प्रैक्टिस भी किए थे। तो जो क ख ग घ ङ है जैसे उसमें हमने अभ्यास भी किए थे कि चित्रों के नाम के पहले अक्षर पे गोला लगाओ, चित्रों को उनके नाम के अक्षर से मिलाओ, वही चीज़। फिर उसके बाद चित्रों के नाम का पहला अक्षर भी लिखे थे क ख ग घ ङ में, फिर सही क्रम में लिखो तो कैटरपिलर का चित्र बना के उसमें हमने उल्टा सीधा आपको बताए थे कि ये, तो हमने ये पढ़े थे, है ना। और फिर च छ झ झ ञ, तो च छ झ झ ञ में अब हम उसका अभ्यास यानी उसकी प्रैक्टिस करेंगे उन शब्दों के, कि च से क्या बनता है, च झ से क्या आता है, ये तो अब उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने यहाँ पर कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, चित्रों के नाम के पहले अक्षर पर गोला लगाइए। ओके, गोला यानी सर्कल लगाइए। तो सर्कल में जैसे अब मैंने ये क्या बनाई हूँ, ज जहाज का, क्या बनाई हूँ, ज जहाज का। ओके, ये ज जहाज का चित्र है और ये ज जहाज में हमने इस तरह से पानी के ऊपर ज जहाज का चित्र बना दिए। ओके ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने लिखे हैं च चम्मच का, ज जहाज का, ज झरने का, च छाते का। अब हमको इसको अभ्यास करना है कि चित्रों के नाम के पहले अक्षर को, तो यहाँ क्या बनाए हैं, जहाज, और यहाँ क्या लिखा है, च चम्मच का, ज जहाज का, ज झरने का, च छाते का। च चम्मच का, ज जहाज का, ये क्या है, ज जहाज का। तो ये हमने क्या करे, इस पे गोला लगा दिया है। ओके, क्योंकि ये ज जहाज का चित्र है, च चम्मच और छाते का या किसी चीज का तो नहीं है, हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये ज जहाज का है। अब उसके बाद क्या है, ये जो झंडा हम अपने 15 अगस्त 26 जनवरी पे फहराते हैं, हमारे देश का, भारत देश का जो झंडा है उसको, उसमें क्या है, झ छ छ झ, ज झंडे का, च चम्मच का, छ छाते का, ज जहाज का। अब झ झ झंडे का बोलते हैं तो कैसे बन रहा है, झ झंडे से, तो इस पे हमने सर्कल लगा दिए, तो ये झ झंडे का हो गया, है ना। और बाकी तीन शब्दों से ये चित्र पे नहीं आ रहा है क्योंकि च छ झ है, ऐसी इसमें भी है, ज जहाज का पे सर्कल लगाए च झ झ, ये नहीं बन रहा है इससे। तो जो सही उत्तर है उस पे हमने सर्कल लगा दिए कि ज जहाज का और ये ज झंडे का। ओके, तो ये चित्रों पे गोला लगा है। अब उसके बाद चित्रों को उनके नाम के पहले अक्षर से मिलाओ। अब यही चीज हमने क ख ग घ ङ उसमें भी पढ़ी थी कि गोला लगाओ,
फिर उन चित्रों को मिलाओ। तो यानी जो ये शब्द हम व्यंजन पढ़ते हैं कि क ख ग घ ङ च छ झ झ ञ, ये जो शब्द हम पढ़ते हैं तो उससे हमको क्या बन रहा है, क्या लिखना है और क्या चीज, कौन सा चित्र आएगा, तो उससे हमको इससे प्रैक्टिस करने पे मालूम हो जाता है और हम उस चीज़ को समझ जाते कि इसको हम ये बोलते झ झंडे का, झ से झ झंडे का, ये हम इसीलिए इस चीज़ से, जैसे हम चार अक्षर ले रहे कि क ख ग घ ङ, पांच अक्षर ले लिए, हमने उसकी प्रैक्टिस की है, उसके बाद फिर च छ ज झ ञ, ये पांच व्यंजन ले लिए, पांच व्यंजन लेने से अब हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, तो यही चीज़ आपको अपनी कॉपी में करना है, नोटबुक में करना है, मैं यहाँ बोर्ड पे करा रही हूँ आपको, और मैं बार बार दो तीन बार मैं उस चीज़ को रिपीट करती हूँ कि मैं आपको ये पढ़ाई थी मैंने, पहले ये पढ़ाई थी मैंने, जिसमें आपको याद रहे। तो अब है चित्रों को उनके नाम के पहले अक्षर से मिलाओ। अब पहले अक्षर में क्या है, इधर च छ ज झ, फिर ये झ झ का है, च चमगादड़ का है, झ झरने का, छ छाते का है ना। अब यहाँ छ छड़ी का है, झ झबले का है, च चरखे का है और झ जल का है, इतने चित्र मैंने बनाए हैं। तो इतने चित्र में, जैसे ये चित्र जो बने हैं उसमें, तो ये चित्र बने हैं जो, तो ये ज जक का, अब च छ ज, ये क्या है, ज जक का, तो हम इससे इसको मिला देंगे, ज जक का। उसके बाद अब ये क्या है, चमगादड़ का चित्र है, काय का चित्र है, चमगादड़ का चित्र है। ओके, तो ये च छ ज झ, तो च चमगादड़ का, तो च चमगादड़ का, ये हमने इससे मिला दिए। उसके बाद झ झरने का, तो च छ ज झ, तो ये झ झरने का। ओके, फिर उसके बाद में हमने देखा कि क्या है, छ छाते का, तो च छ ज झ, अब इसको च छाते को हम इससे छाते से मिला देंगे। ओके, तो हमने इस तरह से ये जो इस तरह के पिक्चर थे इस तरह से इसको मिला दिया। उसके बाद अब इधर भी पिक्चर बने हैं, तो अब इससे भी छ छड़ी का, झ झबले का, झ छ चरखे का, झ झल का। अब सबसे पहले क्या है, छ छड़ी का, तो हमको यहाँ ढूंढना है कि छ कहाँ लिखा हुआ है, छ छ, तो ये छ लिखा है, तो ये छ छड़ी का। ओके, उसके बाद झ झबले का, तो अब हमको झ झबले का यहाँ से बना है, तो ये झ झबले का, इससे मिला दिए। उसके बाद छ चरखे का, तो यहाँ पर च ये लिखा है, तो ये च चरखे से मिला दिए। ओके, हमने उसके बाद में ये झ जल का, तो ये झ ये लिखा है, तो झ जल का। तो यहाँ दोनों तरफ पिक्चर मिलाने से ये हो रहा है कि इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जा रही है कि भाई च से क्या बना, चमगादड़, च से चरखा, ज से जग, फिर ज से जल, फिर च से, सॉरी, च से चरखा, च से चमगादड़, फिर ज से जहाज, ज से जल, फिर छ से छड़ी, छ से छाता, झ से झरना और झ से झबला। तो ये पिक्चर मैंने इस तरह से बनाई और आपको बताया कि इस पे गोला लगाना था और ये पहले अक्षर से मिलाना था। इसको देखिए, तो आप इसको देखो कि किस तरह से ये मिलाए हैं, और इसी तरह से ये आपकी बुक है इसमें भी आपको मिलाना है कि पहले अक्षर पे गोला लगाओ, च छ च झ झ छ झ झ छ, तो ये झ जहाज पे लगा दी है, झ च छ झ, तो ये झ झंडे पे लगा दिए। चित्रों को उनके नाम के पहले अक्षर से मिलाओ, ज जग का, झ जल का, च चमगादड़ का, फिर च चरखे का, फिर उसके बाद झ झरने का, तो झ झबले का, फिर छ छाते का और छ छड़ी का। तो ये ऐसे आपको अपनी बुक में इसको मिलाना है और इसको, इस अभ्यास को, इस एक्सरसाइज को आपको पूरा करना है। मैडम ने जिस तरह से बोर्ड पे बताई है, आप लोग इस वीडियो को देख के इसको पूरा करते हुए एक वीडियो मुझे ज़रूर सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, और इसको एक दो सेकेंड देख लीजिए।
तो मैंने ये आपको इसमें पढ़ाई है, आपके मेरा पहला अक्षर हिंदी में ये मैंने इतना आपको व्यंजन का करवाई हूँ कि ये जो है च छ ज झ ञ उसका अभ्यास भी करवाई और इसके पहले क ख ग घ ङ का भी। अब आपकी बुक में मैंने आपको दो कविता सिखाई थी। सबसे पहला था सवेरा, तो उसका क्या था, कैसा था, सूरज निकला मिटा अंधेरा, जागो बच्चो हुआ सवेरा, आया ठंडी हवा का फेरा, चिड़ियों ने छोड़ा अपना बसेरा, जागो बच्चो अब मत सो, इतना सुंदर समय न खो। ओके, ये क्या बता रहा है, मतलब एक चिड़िया आके बैठी है, वो बच्चा सोया है, सूरज निकला है और उसको कि मतलब सब बता रहे हैं कि हुआ, मतलब सूरज निकल गया है और अंधेरा मिट रहा है, तो अब जाग जाओ और इतना सुंदर समय न खो। तो ये कविता आपको याद करना है और इस कविता को बोलते हुए एक वीडियो भेजना है आपको। ओके स्टूडेंट, उसके बाद आपकी दूसरी कविता थी ची 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 ची, बहुत सुंदर कविता थी ये भी। चिड़िया करती ची ची ची, मुन्नी हंसती ठी ठी ठी, घड़ी करती टिक टिक टिक, गाड़ी चलती चिक चिक चिक, घंटी बजती टुन टुन टुन, गुड़िया नाचे छुन छुन छुन, पानी बरसे छम छम छम, घोड़ा भागे धमक धम, है ना। तो ये ऐसी कविता थी। तो ये दोनों कविता आपको अच्छे से याद करना है। फिर अगले वीडियो में आपको हम एक कविता बताएंगे तितली की, कि उड़ती फिरती तितली रानी, जो ये आपके बुक में है। लेकिन पहले ये दो कविता को आपको याद करके मुझे होमवर्क भेजना है। ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू वेरी मच, आप मुझे वीडियो सेंड करेंगे। बाय।